रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, डर कर मत बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 77 डेज 37 बॉस कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि 77 डेज ही क्यों, क्या एग्जाम आगे नहीं खिसकेगी? तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस बात पर अपना समय और दिमाग बिल्कुल खराब मत करिए कि एग्जाम आगे जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि समय और दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये खराब करने की नहीं होती। यदि आप इन चीजों में पढ़ के 5 दिन 10 दिन भी खराब करते हैं और एग्जाम मान लो 1 महीने आगे भी बढ़ जाती है तो आपके लिए नेगेटिव होगा। आप ये तय मान के कि इन्हीं तिथियों में एग्जाम होनी है और हमारे पास 77 डेज हैं, अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो ये 77 डेज, इसमें हमें अपना बेस्ट देना है, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मैं 77 डेज को 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलते हैं 11 सप्ताह। मुझे इन 11 सप्ताह में मेरी रणनीति बनानी है और फिजिक्स जैसे विशाल सब्जेक्ट की सही सही तैयारी करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं लेता हूं फिजिक्स का सिलेबस कि किस हिसाब से मैं एकदम स्मार्ट स्टडी करूं ताकि मेरे अधिकतम मार्क्स आ सकें। सिलेबस की मैं बात करूं तो मैं फिजिक्स के सिलेबस को 3 भागों में बांटता हूं, 11th, 12th, BSc और MSc। इन तीनों भागों में हम देखें 11वीं 12वीं में 2 किताबें फिजिक्स की, BSc में 9 बुक्स और MSc में 10 बुक्स ये पढ़नी है। 11 सप्ताह हैं हमारे पास, कैसे डिवाइडेशन करें कि हमें मैक्सिमम फायदा हो सके? ये डिवाइडेशन करने के लिए सभी कैंडिडेट की अलग अलग परिस्थितियां हैं और सबका पढ़ने का तरीका और स्पीड अलग अलग है। तो मैं जो कैंडिडेट हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित करता हूं। सबसे पहले वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2016 का इंटरव्यू दिया है और बहुत कम मार्जिन से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, इंटरव्यू तक पहुंचे। दूसरी श्रेणी में मैं उन कैंडिडेट को रखता हूं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2016 की एग्जाम उन्होंने दी है, रिटन एग्जाम, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए। तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं एकदम फ्रेशर्स जो बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं और ये एग्जाम दे रहे हैं। सबके पास 11 सप्ताह का समय है, इस 11 सप्ताह का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो? तो यदि मैं इस श्रेणी को बिलोंग करता हूं, यदि मैंने 2016 में इंटरव्यू दिया था और बहुत कम मार्जिन से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से 11वीं 12वीं को मैं 1 सप्ताह दूंगा, टोटल 11 सप्ताह में से। BSc को मैं 5 सप्ताह दूंगा और MSc को भी मैं 5 वीक दूंगा। कैसे और क्यों, इस पे अभी चर्चा करेंगे। यदि मैं दूसरी श्रेणी को बिलोंग करता हूं, यदि मैंने 2016 का एग्जाम दिया था लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, कमी रहेगी कुछ ना कुछ, तो मुझे 11वीं 12वीं को 1 सप्ताह देने की आवश्यकता है, BSc को 6 सप्ताह देने की आवश्यकता है और बच गए जो मेरे पास 4 सप्ताह वो मुझे MSc को देने की आवश्यकता है। और यदि मैं फ्रेशर हूं, पहली बार एग्जाम दे रहा हूं, तो मुझे 11वीं 12वीं को 2 सप्ताह देने की आवश्यकता है, BSc को मुझे 6 सप्ताह देने की आवश्यकता है और बचे हुए 3 सप्ताह मुझे MSc को देने की आवश्यकता है। अब इस पे बात कर लें कि क्या स्पष्टीकरण है इसका। यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में इंटरव्यू दिया है और बहुत कम मार्जिन से आप सिलेक्ट होने से बच गए, इसका मतलब यह है इसमें अधिकांश जो साथी हैं
वो पहले से या तो गवर्नमेंट जॉब में है, ज्यादातर स्कूल लेक्चरर हैं, यानी उनका ये पोर्शन मजबूत है और तैयारी भी उन्होंने बहुत अच्छे से की है, बहुत मामूली सी कमी रह गई थी। तो इसको 1 सप्ताह में रिवाइज करना, 5 सप्ताह इसको देना बीएससी इंपॉर्टेंट पार्ट, और बाकी 5 सप्ताह में इसको अच्छे से रिवाइज करना एमएससी को। इसमें इनका काम हो जाएगा और सिलेक्शन के पक्के चांस बनेंगे। यदि इस दूसरी श्रेणी में आप हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां तो आपको, ये भी अनुभवी लोग हैं जो पहले से गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं और हो सकता है 11वीं 12वीं को पढ़ा रहे हो काफी लंबे समय से, तो इनको यहां केवल 1 सप्ताह देने की आवश्यकता है। बीएससी में इनको थोड़ा ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है और एमएससी के लिए बचे हुए 4 सप्ताह। फ्रेशर यदि आप हैं तो आपने या तो एमएससी फाइनल ईयर में आप अपीयरिंग हैं या आपने अभी अभी ताजा पीजी की है, तो ये पोर्शन तो वैसे ही आपका अच्छा है। आपको अपना बेस मजबूत करने की आवश्यकता है, तो 11वीं 12वीं को 2 सप्ताह वन वन वीक हम दे सकते हैं और 6 सप्ताह बीएससी। और एक बात आप बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बीएससी है। यदि कोई व्यक्ति फिजिक्स में बीएससी में अच्छे से होल्ड बना लेता है, अच्छी पकड़ मजबूत कर लेता है, तो फिजिक्स की आईपीएससी की कोई भी एग्जाम, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे सेट जो अब बंद हो गई, या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, वो इनको क्रैक करने का मादा रखता है। तो ये हमारा 11 सप्ताह का टाइम टेबल। फिर एक बात रह जाती है कि जीके, जीके को कहां से पढ़े, 11 सप्ताह तो टोटली है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप सुबह से शाम तक लगातार पढ़ पाते हैं या पूरा टाइम फिजिक्स को आप दे सकते हैं। आपको बीच में अवश्य ही ब्रेक लेने होंगे और टुकड़ों में पढ़कर ही फिजिक्स को अच्छे से हृदयंगम किया जा सकता है। वो जो आपका बीच का समय है उसमें आप आनुपातिक रूप से जीके के लिए टाइम निकालें। वैसे भी फिजिक्स और जीके में हम देखें तो 3:1 का रेशियो है मार्किंग का, 200 अंकों में 150 और 50 ये है। तो वो जो आनुपातिक समय है वो आप जीके को दें। कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हम मशीन हैं कि हमेशा पढ़ते ही रहेंगे? साथियों, समय इतना कम है और इन परिस्थितियों में हमें सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ना तो होगा, मेहनत करनी होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। इतना ज्यादा समय नहीं है, इतने दिन में पढ़कर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, परेशान नहीं होंगे। हमें अपने सपने को पाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हो सकता है कुछ लोग 6 से 8 घंटे ही पढ़ पाते हैं, कुछ लोग 10 12 घंटे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से, लेकिन ये टाइम देना होगा और इस बीच में जीके को भी समय देना होगा। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। हमारी तैयारी में अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ओल्ड पेपर्स, जो पहले से सोल्ड हों उनका अध्ययन कैसे करें और कैसे उनको तैयार करें। 11 सप्ताह का हमारे पास समय है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप 11 सप्ताह में कम से कम 11 पेपर अवश्य तैयार करें। दो बातें आती हैं, पहले क्यों, उस पे मैं अभी आ रहा हूं, कैसे करें। पहले ये देखिए, आप हर सप्ताह संडे को 3 घंटे दीजिए और एक ओल्ड पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। पेपर मैं उपलब्ध कराऊंगा, एक पेपर मैं पहले ही डाल चुका हूं सॉल्व पेपर। बहुत जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम 5 10 पेपर उपलब्ध करा सकूं। 3 घंटे इसके लिए दीजिए, उसके बाद सप्ताह के बीच में एक दिन, वो वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, उसमें आप 1 घंटा उसी पेपर के लिए और निकालिए और उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। क्या फायदा होगा, क्यों पढ़े ओल्ड पेपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको ओल्ड पेपर
पढ़ने से चार फायदे होंगे जिनको मैं ऐसे मानता हूं। PITR, सबसे पहला P फॉर पैटर्न। यदि आप ओल्ड पेपर पढ़ेंगे तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कहां से आते हैं, कौन सी बुक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट से कम क्वेश्चन आते हैं। अगला I फॉर इम्पोर्टेंट, ये सबसे जरूरी बात है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, कॉल आते हैं मेरे पास भी कि सर क्या इम्पोर्टेंट है। ये यदि आप 11 ओल्ड पेपर 11 वीक में कर लेते हैं तो आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कौन से पार्ट को ज्यादा तवज्जो मिल रही है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। टी फॉर टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, 3 घंटे में किस तरह से पेपर को पूरा किया जाए। ये फिजिक्स का पेपर है, समय लगता है, तो आप यदि 11 पेपर आपने किए हैं अच्छे से तो आपको अच्छे से ये पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें टाइम मैनेज करना है। और चौथा R सबसे इंपॉर्टेंट, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इसमें मैं मेरा खुद का अनुभव आपको बताता हूं। मैंने RPSC में फिजिक्स के 5 एग्जाम दिए हैं, 2012 स्कूल लेक्चरर फिजिक्स जिसमें ओवरऑल 11वीं रैंक रही मेरी ऑल राजस्थान, उसी साल 2012 में सेट जिसमें मैंने ऑल राजस्थान टॉप किया, उसके बाद 2 बार पॉलिटेक्निक एग्जाम, दोनों बार मैंने क्लियर की, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 जिसमें ओवरऑल फिजिक्स में 2nd रैंक मेरी रही। मैंने अपने अनुभव से ये चीज देखी है, हर बार जब भी पेपर देखा है 10 से लेकर 20% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओल्ड पेपर्स में से क्वेश्चन आते हैं। अब आप एक बात देखिए, आप पेपर खोल के बैठेंगे और आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे, उस 150 क्वेश्चन में से मान लो 20 से 30 क्वेश्चन आपने पहले से तैयार कर रखे हैं, ओल्ड पेपर में आपके वो एकदम रेडी है। इससे आपको क्या होगा, आपको मुख्य रूप से 3 फायदे होंगे। पहला, आपका टाइम बचेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर लंबा होता है फिजिक्स में, 150 क्वेश्चन आसान नहीं है। दूसरा, टाइम आपके पास बच गया, आप बड़े कॉन्फिडेंट होंगे जब अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपने अभी अभी छक्का लगाया है, आप ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा 100% सही है, क्योंकि वो आप पहले से बड़े अच्छे से कर चुके हैं। देखते ही आपको वो क्वेश्चन, देखते ही आपके दिमाग में एक पॉजिटिव तरंग उत्पन्न होगी, तो आप अगले क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो बेहद कॉन्फिडेंट होंगे। और इससे तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो आपके रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंड फ्रेमिंग आएगी और आप रिस्क लेकर अगले क्वेश्चन को और अच्छे से टैकल कर पाएंगे। फिजिक्स में चाहे कोई कितना ही धुरंधर हो, कितना ही एक्सपीरियंस वाला हो, फिजिक्स का पेपर ऐसा आता है कि आपको 50 से 60% पेपर ऐसा मिलेगा जिसमें वहां रिस्क लेके ही आपको काम करना होगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन देखें और 50% वैसे ही मिल गए आपको, तो ये 20 से 30 क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं हर बार, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ये आप में रिस्क लेने की क्षमता उत्पन्न करेंगे। वरना होता क्या है, यदि हमें ये क्वेश्चन में नहीं आते, हमने ओल्ड पेपर नहीं किए, तो हमें हर क्वेश्चन में ऐसे लगता है कि हम रिस्क ही लेते जा रहे हैं और फिर मामला बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो ओल्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1 वीक 1 पेपर जो आपकी वीकनेस को दूर करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, इसके ऊपर बहुत फोन कॉल्स भी आते हैं, स्टूडेंट भी पूछते हैं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए, कंपटीशन के लिहाज से फिजिक्स को कैसे पढ़ें। इसके लिए मैं मेरी रणनीति आपको बताता हूं। किसी भी क्वेश्चन पेपर को मैं 4 भागों में बांटता हूं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है फॉर्मूला, तीसरा है न्यूमेरिकल और चौथा है
डेरिवेशन। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से अब तक जितने पेपर दिए हैं कंपटीशन के, उनमें एवरेज ये देखने में आता है कि 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, फॉर्मूला आधारित 25% क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल 15% पूछे जाते हैं और बच गया 10% ये डेरिवेशन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। और फिजिक्स एक फिजिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रत्येक चीज को डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं, तो रिलेट करते हुए पढ़िए। फिर उसके अंदर जो भी फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। फॉर्मूले को याद करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद आता है उस फॉर्मूले से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, कम से कम एक या दो सोल्ड न्यूमेरिकल अवश्य हल कर लीजिए। और बाद में बचा 10% डेरिवेशन, आप इतना काम बड़ा अच्छे से कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। और नहीं होता है तो इसकी टेंशन मत लीजिए, आपका काम इतने भी बड़े अच्छे से बन जाएगा। इस पूरी बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो सबसे मेन पार्ट है वो ये जानिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेली आवृत्ति क्या होती है, डेली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अंतक विभव क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है या उसकी तीव्रता पर डिपेंड करती है, कैसा रिलेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट। फिर फॉर्मूला, उसमें जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये चीजें सीधे, जो फॉर्मूला है वो आपको सीधा रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इस पे आधारित एक या दो न्यूमेरिकल कम से कम जरूर कीजिए। उसके बाद यदि डेरिवेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, इससे संबंधित एप्लीकेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे, और नहीं होगा तो भी इतने से आपका काम बड़ा अच्छे से बन जाएगा। तो ये फिजिक्स पढ़ने का तरीका है। हर पेपर का इस तरह का विभाजन करीब करीब देखने में आता है, और ये रणनीति आप अपनाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होगी। अंत में मैं एग्जाम देने वाले सभी कैंडिडेट्स को 3 श्रेणियों में बांटता हूं। पहली श्रेणी में वो कैंडिडेट होंगे जो 100% समर्पित अभी से तैयारी में, जिन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, एग्जाम आगे होती है पीछे होती है, क्या भूचाल आ रखा है, कुछ नहीं है, उनको केवल अपना टारगेट दिख रहा है, वो तैयारी में लगे हुए हैं, अपना गोल सेट कर रखा है, अपना टाइम टेबल बना रखा है, ये प्रथम। दूसरी श्रेणी के वे लोग हैं जो एग्जाम जल्दी आने के कारण, एग्जाम डेट जो है वो थोड़ी जल्दी आने के कारण उनको एक सुंदर सा बहाना मिल गया है, और वो ये सोचते हैं कि एग्जाम तो देंगे, प्रयास भी कुछ करेंगे, लेकिन यदि एग्जाम ये टाइम पर ना होती, इससे थोड़ी आगे चली जाती तो मैं कर डालता, बस मेरा सिलेक्शन पक्का था, लेकिन अब शायद मुश्किल है। और तीसरे वे लोग जिन्होंने पक्का मन बना लिया है एग्जाम की डेट देखते ही कि हम एग्जाम नहीं देंगे, ये चांस हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई अलग से आगे चांस आएगा फ्यूचर में, ये चांस हमारे लिए बना ही नहीं है। साथियों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आरपीएससी को 37 पोस्ट फिल करनी है, 37 लोगों का सिलेक्शन करना है, और वो सारे के सारे 37 लोग इसमें से होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। तो अभी से अपने लक्ष्य में जुट जाइए, बेकार की बातों में टाइम खराब मत करिए। अंत में सभी साथियों को यही संदेश है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। साथियों, ये दोष देना छोड़िए, अपने जोश को बनाए रखिए, अपने जुनून को जिंदा रखिए, और फिर देखिए
जो रिजल्ट वाला दिन होगा वो आपके लिए अपार खुशियां लेकर आएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।